अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे C311 केमिस्ट्री एनालाइजर की, जिसमें हमारी रूटीन केमिस्ट्री की टेस्ट परफॉर्म होते हैं और ये बहुत ही वाइडली लैब्स में यूज़ की जाती है। ये डेली मेंटेनेंस लगाते हैं हम 20, जहाँ पे हमारी तकरीबन मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये देखिए, डेली मेंटेनेंस हमसे मांगी जा रही है, यहाँ पे देखेंगे। और डेली मेंटेनेंस लगाने से पहले हमें एक रेमेडी चाहिए होगी, हम सबसे पहले उसको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, ये दो केमिकल्स हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं C311 की डेली मेंटेनेंस में। ये हमारा IAC क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जो बहुत सारी मशीन्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री मशीन्स में, उनकी क्लीनिंग के लिए। ये हमारा एक्टिवेटर है, ये दोनों यूज होंगे हमारी मशीन में। दोस्तों, अगर ये मौजूद हो, एक्टिवेटर हमारा मौजूद हो तो ठीक है, वरना इसकी जगह हम पूल सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेटर की जगह पूल सैंपल हम कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे ट्यूब्स होते हैं जिसमें सीरम पड़ा होता है, तो उसमें से हम सीरम निकाल के किसी एक ट्यूब में मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे जो सीरम होते हैं, वो चार या पांच सीरम किसी एक ट्यूब में मिक्स कर दें तो वो हमारा पूल सैंपल है, और उस पूल सैंपल को हम एक्टिवेटर की जगह रख सकते हैं या उसकी एक्टिवेटर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेली मेंटेनेंस की रेमेडी के लिए सबसे पहले आपने IAC क्लीनिंग सॉल्यूशन निकालना है ट्यूब में। दोस्तों, एक कप में आपको इसकी रेमेडी को फॉलो करते हैं। पहले कप में आपको IAC क्लीनिंग सॉल्यूशन निकालना है और दूसरे कप में आपको निकालना है एक्टिवेटर। अगर आपके पास एक्टिवेटर है तो एक्टिवेटर यूज़ करें, अगर आपके पास एक्टिवेटर नहीं तो आप उसकी जगह पूल सैंपल यूज़ करें, पर बेहतर यह है कि सबसे पहले एक्टिवेटर मौजूद है तो उसी को यूज़ करें। दोस्तों, ये दो कप हमने पोर कर दिए। सबसे पहले में IAC हमने पोर किया और दूसरे कप में हमने एक्टिवेटर पोर किया। तीसरे कप में हम वाटर पोर करेंगे। ये सीक्वेंस को याद रख लें, सबसे पहले IAC, उसके बाद एक्टिवेटर और एंड थर्ड पे वाटर। तो दोस्तों, हमने तीनों ट्यूब में सबसे पहले IAC और उसके बाद एक्टिवेटर एंड बिल्कुल लास्ट में वाटर हमने पोर कर दिया। अब हम देखते हैं मशीन में इसकी पोजिशन। दोस्तों, ये हमारा रोटर होता है, जिस पे डिफरेंट पोजीशन लगी हुई है, और यहीं पे हम अपने सैंपल्स वगैरह रखते हैं, जो भी हमारे रनिंग की चीज़ें होती हैं यहाँ पे रखते हैं। आपको दूर से दिखा दूँ, बिल्कुल यहाँ पे ये मौजूद होता है। इसकी पोजीशन को हम देखें तो आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा, वो सबसे पहले W1 पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन है W2 एंड थर्ड पोजीशन है 56। तो यहाँ पे हम रख देंगे सबसे पहले, ये जो पुराने पड़े हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे ये IAC पड़ा है और उसके बाद एक्टिवेटर पड़ा है एंड देन वाटर पड़ा है। तो उसी सीक्वेंस के साथ हम दोबारा रखते हैं जो हमने नए निकाले, सबसे पहले IAC, देन एक्टिवेटर एंड बिल्कुल लास्ट में 56 पोजीशन पे हम वाटर रखेंगे। ये हमारी रेमेडी पूरी हो गई। उसके बाद हम मशीन की तरफ चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आप यूटिलिटी में जाएं, जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा था कि यूटिलिटी में हमारी मेंटेनेंस होती है सारी, वीकली हो गई, मंथली हो गई, या कोई चेंज करना है तो आप ये जाएं डेली मेंटेनेंस पे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, याद रहे कि आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही हमारी डेली मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी, और डेली मेंटेनेंस हमारी तब भी स्टार्ट होनी चाहिए जब तक हमारी रेमेडी पूरी हो। हमने रेमेडी पूरी कर दी, IAC, एक्टिवेटर और वाटर को रख दिया, तो उसके बाद हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया हमारा स्टेटस चेंज हो गया पाइप से, पहले स्टैंड बाय पे था अब पाइप पे चला गया। तो उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे अभी स्टेटस चेंज नहीं हुआ, देखें अभी हो गया, प्रोब वॉश होगी और उसके 5 साइकिल चलेंगे। चलें दोस्तों इसका वेट करते हैं जब तक ये ख़त्म हो जाए। दोस्तों प्रोब वॉश के बाद अब हमारा चल रहा है एयर पर्च, और एयर पर्च के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो चलेगा। दोस्तों एयर पर्च हमारा जैसे ही ख़त्म हो गया तो स्टेटस फिर स्टैंड बाय पे चला गया, और स्टैंड बाय के बाद फिर अगेन हमारा नेक्स्ट स्टेप चला जाएगा। ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिक परफॉर्म होंगे, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ जस्ट रेमेडी पूरी करके डेली मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट करना है। फिर हमारा दूसरा स्टेटस शुरू हो गया वाटर इंक्यूबेशन वाटर एक्सचेंज, जो कि हमारा 5 मिनट चलेगा। उसके बाद दो और स्टेप होंगे हमारे, वो चलेंगे, देन हमारी मशीन स्टैंड बाय पे आ जाएगी और जो हमारी डेली मेंटेनेंस थी वो क्लीन हो जाएगी। अब देखें दोस्तों फोटोमीटर चेक हो रहा है और ये भी हमारा 5 मिनट का प्रोसेस है। उसके बाद अगेन हमारा जो दूसरा प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब 5 मिनट के बाद हमारा जो फोटोमीटर चेक का स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है, अभी हमारा दूसरा स्टेप आ जाएगा। स्टैंड बाय के बाद ही हमारा हर स्टेप आता है, जब भी कोई स्टेप हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद मशीन स्टैंड बाय पे चली जाती है एंड देन हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो स्टार्ट होता है। देखिए ISC वाश हमारा चल रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें हमारे 28 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों ISC वाश के बाद अब हमारी मशीन स्टैंड बाय पे आ गई है और अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स कि हमारी अब डेली मेंटेनेंस है वो कंप्लीट हो चुकी है।